हैं आप? फिफ्थ ईयर। तो मतलब आप बस ग्रेजुएट होने वाले रिसेंटली? सही है। तो हॉस्टल कैसे लगे आपको? साफ सुथरे हैं? खाने वाने की कोई दिक्कत नहीं? फैसिलिटी सही है का? रूम्स कैसे हैं? सही है। थैंक यू। फ्रिज और सिंक वगैरह, ये कपड़े वॉशिंग का एरिया है। ऐसे ही आगे जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, मेडिकल रूम है, एडमिनिस्ट्रेटिंग रूम है, कंप्यूटर रूम है, छोटी लाइब्रेरी भी है यहाँ पे। और ये अब आगे जो छोटी स्पोर्ट्स बिल्डिंग है यहाँ पे, और साइड में वो जो सामने आपको दिख रही है इनका हॉस्टल। अभी आपको थोड़ी देर में हॉस्टल का टूर भी कराएंगे, यहाँ की मेस भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, सेंट्रल एशिया में स्पोर्ट्स बहुत ही आगे है। तो ये कुछ स्पोर्ट का हॉल बना हुआ है। ये हमारे साथ अभी यहाँ के कोच साहब थे। आप कभी भी सेंट्रल एशियन गेम्स देख लेना, उज़्बेकिस्तान के काफ़ी मेडल आते हैं ओलंपिक्स में भी, सेंट्रल एशियन गेम्स में भी। ऐसे ही इनके बड़े बड़े जो एलुमनी हैं, यहाँ से पढ़ के भी जो स्पोर्ट्स में गए हुए हैं, उनके कुछ नाम हैं, फोटोज़ वगैरह लगे हैं। ये कोच साहब हैं दोनों। कोच साहब हैं, इनसे मिलवाते हैं आपको। ककवा सबूत पहुँचन प्रयात्न। तो ये छोटा सा जिम है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। मतलब सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करा रखी है, जो कि हर एक स्टूडेंट को मेडिकल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस जरूरी है इस वजह से। तो देख सकते हैं आप, ये आउटडोर भी रिंक है, इंडोर भी रिंक है, मतलब स्पोर्ट्स का फुल एक्सपोजर है। फुटबॉल का ग्राउंड बना हुआ है, उधर भी क्रिकेट का ग्राउंड है। ये तीन हॉस्टल्स हैं अलग अलग, तो ये आप चेक कर सकते हैं। इनके लिए किचन एरिया है, अगर किसी ने खाना बनाना है और खाना है तो खा सकते हैं। तो आप कहाँ से हैं दोस्तों? राजस्थान। ये राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं। कौन से ईयर में पढ़ रहे हैं आप? फिफ्थ ईयर। तो मतलब आप बस ग्रेजुएट होने वाले रिसेंटली? सही है। तो हॉस्टल कैसे लगे आपको? साफ सुथरे हैं? खाने वाने की कोई दिक्कत नहीं? फैसिलिटी सही है का? रूम्स कैसे हैं? सही है। थैंक यू। फ्रिज और सिंक वगैरह, ये कपड़े वॉशिंग का एरिया है। ऐसे ही आगे जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, मेडिकल रूम है, एडमिनिस्ट्रेटिंग रूम है, कंप्यूटर रूम है, छोटी लाइब्रेरी भी है यहाँ पे। तो ये स्टूडेंट्स के बेड हैं, ये फोर सिटिंग एरिया वाला रूम है। तो ये बाकी ये भाई रह रहे हैं। आप कौन सी जगह से भाई? आप? हम राजस्थान। राजस्थान कौन सी जगह से? राजस्थान कोटा जिला। अच्छा। तो कौन से कोर्स में आप? फिफ्थ कोर्स। अच्छा, आप भी कंप्लीट करने वाले हैं तो? यस। सही। तो यहाँ पर ही आप खुद ही खाना बनाते हैं, खुद ही आटा वाटा गूंथते हैं और खाना बना लेते हैं। चलो, ये अच्छी फैसिलिटी है, किचन मिली हुई है, कभी भी खाना बना सकते हैं हम। सही है। तो थैंक यू। तो ये इनका बाथिंग एरिया, ये हैंड वॉश का एरिया, रूम के साथ ही सब कुछ अटैच्ड है। ये टॉयलेट वगैरह, ये है जो बुफे है, लगता है यहाँ पे इंडियन खाने का। इस टाइम बंद हो रखा है क्योंकि 12 बजे हुए हैं, ये खुलता है लंच के टाइम पे, ब्रेकफास्ट के टाइम पे और डिनर के टाइम पे। काफ़ी बड़ी एरिया देख सकते हो आप, काफ़ी लोगों की सिटिंग है। इंडियन पाकिस्तानी बुफे लगता है यहाँ पे। मैस है, औशखाने से लिखा, मतलब मैस है ये खाने की। तो ये यूनिवर्सिटी का डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट है और क्लिनिकल डिपार्टमेंट है। दिखाते हैं आपको अंदर से। यहाँ की रिसेप्शन है,
ये सारा डायग्नोसिस डिपार्टमेंट है एंडोक्रिनोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी का ऑप्स का इनों का गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, इंजेक्शन होम, पीडियाट्रिशियन, इम्यूनोलॉजिकल, ट्रोमेटोलॉजिस्ट, और भी आप पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के ओपीडी है यहाँ पे। बेसिकली लंच टाइम चल रहे हैं अभी तो बंद है। अब ऊपर चलते हैं। तो ये खाली वाला हॉस्पिटल रूम हमने ढूंढा है आपको दिखाने के लिए, क्योंकि इट इज़ नॉट अलाउड टू शूट विद पेशेंट्स, इट्स क्योंकि ये एथिक्स के खिलाफ होता है। तो ऐसे आपको दिखाने के लिए जो एरिया खाली था वो दिखा रहा हूँ मैं। ये न्यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट है, खुला हुआ, अंदर क्लासेस चल रही हैं बच्चों की, इस वाले रूम में और नेक्स्ट वाले रूम में इनके प्रोफेसर हैं। हॉस्पिटल सारा का सारा इक्विप्ड है लिफ्ट के साथ, पर क्लासेस लग रही हैं स्टूडेंट्स की। ये पूरे के पूरे कैंपस का आउटलुक है, आपको 3D दिखाते हैं इनका। ये पूरा का पूरा इनका जो इकट्ठा कैंपस है वो है, बाकी जो हॉस्पिटल्स अलग हैं गवर्नमेंट के वो अलग हैं।